वह उद्देश्य परियोजना ऊर्जा एवं गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री अनिल शर्मा ने मंडी नगर निगम के वार्ड नंबर 4 का दौरा किया तथा वहां पर लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर अनिल शर्मा ने सुवड़ा मोहल्ला में किए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि कौड़ी खड्ड पर 2 पुल के मध्य खड्ड के चैनलाइजेशन पर 5 करोड़ रूपए व्यय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हिमुंडा के माध्यम से भी 11 करोड़ रूपए खर्च किए गए हैं, जिसमे सुहड़ा मोहल्ला के अधिकतर कार्य हुए हैं। उन्होंने बताया कि शहर के सौंदर्यीकरण के लिए 88 करोड़ रुपए की एक योजना क्रियान्वित की गई है। उन्होंने पार्षद की मांग पर पाइप बिछाने के लिए उखाड़ी की सड़क की मॉनिटरिंग शीघ्र अतिशीघ्र करने के संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शहर की सीवरेज योजना 80 के दशक की है तथा इसके संदर्भ के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि सकोटी खड के पूरे क्षेत्र का चैनलाइजेशन के लिए DPR तैयार की जा रही है। इस अवसर पर उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर, नगर परिषद की अध्यक्षता सुमन ठाकुर, उपमंडला अधिकारी डॉक्टर मदन कुमार तथा गुरु रविदास पंचायत कमेटी के प्रधान इंदिर राज विशेष रूप से उपस्थित रहे। हर वार्ड में जाने का इन्होंने कार्यक्रम जो रखा, और मुझे भी जब मैं मीटिंग करता हूँ सूचना मिली, मैंने कहा ये ठीक है कि यदि एसोसिएशन हर वार्ड में जाए और लोगों की समस्या सुने, मुझे भी लगता है कि मैं धन्यवाद भी करता जाऊं और साथ में ये जो है लोगों की समस्या सुनने का मौका भी मिले। और जैसे आपने देखा कि जो जनता जो है जनता के बीच में की सरकार जाए और मौके पर फैसले हों, उससे उसी को देखते हुए आज हम यहाँ पर वार्ड का चक्कर लगाएंगे और उनकी समस्याओं के बारे में अवगत भी होंगे और फ्यूचर में क्या प्लान बना सकते हैं उसके ऊपर भी हम जो एक रूपरेखा जो है सरकार के माध्यम से तैयार करने का प्रयास करेंगे। इसी कड़ी के लिए जो है आज हमने कार्यक्रम लगाया।